Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. So some important trigonometric formulae to solve the problem. तो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये हम किसके लिए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x के लिए. नंबर 2 है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, कि जिसके लिए मैंने लिख दिया आंसर sin square x. नंबर 2 है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, प्लस रहा तो आंसर क्या आना चाहिए, cos square x. इसका मतलब है क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते समय अगर sin square x टर्म आया तो उसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी कोई भी फॉर्मूला नहीं है. तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, ये अगर दोनों आते हैं, स्पेशली साइन स्क्वायर एक्स आया तो हम उसे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. नंबर 2, अगर कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2. अब थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे है, अगर टैन स्क्वायर एक्स आता है तो टैन स्क्वायर एक्स के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. मेन फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. देयरफॉर टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम रिप्लेस करेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1. और फोर्थ वाला फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर एक्स, वो भी कनेक्टेड टू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. मेन फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, देयरफॉर कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec square x minus 1. सो ये हो गए फोर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कि जो हमें यूजफुल है फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन प्रॉब्लम.